मधेपुरा से ज्योति मंडल बोल रहा हूँ सर। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत प्रणाम सर। ज्योति जी नमस्कार जी प्रणाम सर। जी। बताइए अपना जरा बात बताइए, क्या कर रहे हैं? हम सर पहले खेती करते थे, उसमें आमदनी कम होती थी। अब मछली पालन कर रहे हैं 4-5 साल से 10 हेक्टेयर में सर, उससे काफी आमदनी बढ़ गई है। क्या और फर्क आया उसमें दिक्कत पहले की अगर तुलना में, कितना फर्क आया? पहले के तुलना में कम से कम 5 से 10 गुना फर्क आया है सर। ओहो, अच्छा। तो आप पहले क्या पढ़ाई वढ़ाई की हैं या पहले से ही खेती में ही लगे थे? अच्छा, नहीं सर, पढ़ाई किए हैं, साइंस कॉलेज पटना से BSc ऑनर्स किए थे सर, उसके बाद JNU से MA किया है सर, और उसके बाद किसान यहाँ पर खेती कर रहे हैं, प्लांटेशन किया है और सर खेती कर रहे हैं, तो उसमें मछली पालन ही मेरा मेन खेती है सर। आपने पोस्ट मछली ग्रेजुएशन पालन में किया, JNU से किया, और आपने मछली पालन ही क्यों चुना? क्यों क्यों ही विचार आया? आप आगे रिसर्च में उसी जा तुल सकते थे, और कोई व्यवसाय भी आप चुन सकते थे। सर उसी समय मेरे मन में आया सर, जो गांव किसान के लिए कुछ किया जाए। किसान लोग बहुत ही, हम लोग के मधेपुरा जिला बहुत गरीब जिला है सर, हिंदुस्तान का सबसे गरीब जिला में मधेपुरा जिला है सर। यहाँ किसानों की स्थिति बड़ी बदतर थी, लेकिन आप लोगों के आने के बाद से सर, राजपाट आने के बाद से बहुत अच्छी स्थिति आ रही है। अभी मछली पालन में मतलब 5 गुना वृद्धि हो रही है किसानों की आमदनी में सर। पहले 10 से 20 हजार 1 एकड़ में कमाई होता था सर, आज की डेट में कम से कम किसान 1 एकड़ वाटर एरिया से 1 लाख से 10 लाख 20 लाख तक कमा सकता है सर। आपकी जो योजना थी सर, जो हम 22 में 2 गुना करेंगे आमदनी, अगर किसान मछली पालन शुरू करे सर तो 5 गुना आमदनी तो निश्चित रूप से होगी सर। ज्योति जी, आपकी बात सुनकर के देश के किसान भी आपको सुन रहे हैं। ये जो आत्मविश्वास आप बता रहे हैं, जब सर चारों तरफ कुछ लोग निराशा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ज्योति जी आप तो नहीं सर, स्वयं विश्वास की ज्योति जगा रहे हो। अच्छा, आपके गांव में या आसपास के इलाके में पहले से भी मछली पालन के तौर तरीके रहे होंगे? पुरानी हाँ या कुछ कुछ पद्धति होती रही थी होगी, सर। वेस्टेज रहता होगा। आपने क्या नया किया? हमने सर उसमें चारा खिला करके सर, देखिए मछली की वृद्धि काफी होती है, तो चारा खिलाने के लिए सर चारा यहाँ काफी महंगा मिलता है। यहाँ नियरेस्ट पॉइंट छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से आता था चारा सर, वो काफी महंगा किसानों को मिलता था, हमको भी मिलता था काफी महंगा। लेकिन जब हम यहाँ इसीलिए चारा मिल यहाँ पर स्थापित किए हैं सर, जो किसानों को सस्ता में चारा मिलेगा और आमदनी गारंटी के साथ सर हम कह रहे हैं, जो 5 से 10 गुना किसानों की आमदनी बढ़ जाती है। अब मत्स्य संपदा योजना के तहत आपने फिश फीड मिल भी शुरू की है, और मैं पीछे देख रहा हूं सर कि और इस योजना से आप अपने साथ साथ पूरे क्षेत्र को ज्यादा प्रोत्साहित सर करने के लिए आगे भी कुछ करें, ये मेरी अपेक्षा है। हो सकता है क्या कुछ कर सकते हैं आप? जी सर, कर रहे हैं सर, प्रचार प्रसार काफी कर रहे हैं और काफी आदमी इसमें जुड़ रहा है सर। मछली पालन में काफी आदमी सर इसमें जुड़ रहा है और काफी बढ़िया खेती शुरू हुआ है सर। लोग आपके यहाँ देखने के लिए आते हैं क्या? कैसे आप कर रहे हैं वो? जी सर आते हैं सर। देखिए, देश में गांव और किसान की आय बढ़ाने के लिए ब्लू रिवॉल्यूशन पर व्यापक काम हो रहा है। कोशिश ये है कि नदियों, तालाबों में, समंदर में, जहां भी हो, हम जल के भीतर के संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन भी करें और उसमें आजीविका भी कमाएं, ताकि किसान को भी लाभ हो, पर्यावरण, जल के भीतर का जीवन भी अधिक सुरक्षित हो। सरकार इसके लिए हर स्तर पर आर्थिक और तकनीकी मदद मुहैया करा रही है, और मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से, भले आज मधेपुरा आपके हिसाब से गरीबी में 10 नंबर में हो, लेकिन आप जिस दिशा में चले हैं, देखते ही देखते मधेपुरा गरीबी के इस टीके से बाहर आ सकता है, और आप जैसे पढ़े लिखे किसान जब मैदान में आए हैं तो पक्का आएगा, और भारत सरकार, राज्य सरकार पूरी तरह आपके साथ खड़ी रहेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सर मछली पालन में अगर सर आप लोगों की तरफ से जो मदद मिल रही है, जैसे हमको 50% अनुदान मिला सर,
और चारा यहाँ बनेगा और सस्ता मिलेगा सब किसानों को, तो मछली उत्पादन करके किसानों की आमदनी 5 गुना से 10 गुना आराम से सर एक साल में बढ़ सकता है। और ये आदमी देख रहा है और सोच रहा है, हर आदमी अब सोच रहा है जो हम तालाब खुदाएं मछली पालन करें सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत शुभकामनाएं मेरी।